नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन के घर पड़े छापेमारी में नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस बार पुष्पराज की तिजोरी खुली तो 150 करोड़ की टैक्स चोरी सामने आ गई। बड़े ही शातिर तरीके से पुष्पराज जैन ने फर्जीवाड़े का खेल खेला था, जिससे आयकर विभाग की टीम भी हैरान है। अभी तो कई ऐसे और भी कागजात हैं जिनकी जाँच के बाद खुलासा होना बाकी है। देखिए इस रिपोर्ट में। सपा एमएलसी और इत्र कारोबारी पुष्कर जैन जैसे ही हिरासत में लिए गए, वैसे ही सपाइयों में खलबली मच गई। सपा नेताओं की नींद और पुष्कर जैन का चैन उड़ गया, क्योंकि इस मामले में आयकर विभाग एक के बाद एक ताबड़तोड़ खुलासे कर रहा है। इस बार पुष्पराज की तिजोरी और कागजों ने 150 करोड़ की चोरी का राज उगल दिया। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता पुष्पराज जैन के कई ठिकानों पर चल रहे छापे में 150 करोड़ रुपए के भारी भरकम इनकम टैक्स की चोरी की आशंका है। सूत्रों के मुताबिक पुष्पराज जैन का मुंबई के बिजनेसमैन भूमि डेवलपर के साथ ज्वाइंट वेंचर था। ये दोनों साथ मिलकर बिजनेस करते थे। प्राथमिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की आशंका है। आयकर विभाग के अधिकारियों को संदेह है कि शुक्रवार शनिवार की तलाश में जब्त किए गए दस्तावेजों और फाइलों के विश्लेषण के बाद और अधिक टैक्स चोरी का पता लगाया जा सकता है। ये सभी जानकारी आयकर विभाग से जुड़े अधिकारियों ने साझा की है, जिससे हर कोई दंग है और अखिलेश यादव बौखला उठे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं जांच की आंच उन तक न पहुंच जाए और अगर गलती से उनकी तिजोरी खुल गई तो वाकई चुनावों से पहले सपा के लिए बड़ा खेल हो जाएगा। वहीं आयकर की टीम अब हिरासत में लिए गए पुष्पराज जैन को कानपुर के तिलक नगर में उनके भाई अतुल जैन के घर लेकर पहुंची, जहां उनके फ्लैट के बाहर भारी पुलिस बल और पीएसी तैनात रही। वहीं आयकर विभाग की टीम ने दोनों भाइयों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की है, जिसमें कई खुलासे भी हुए हैं। दोनों भाइयों ने क्या कुछ उगला है, इसका अभी आयकर विभाग ने खुलासा नहीं किया। साथ ही आयकर विभाग के अधिकारियों ने घर के अंदर दस्तावेजों की छानबीन भी की है, यानी कि खेल बड़ा है, इसलिए आयकर विभाग की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही है। बता दें कि आयकर अधिकारी जब पुष्पराज जैन को कन्नौज से लेकर निकले थे, तब उनके पास दस्तावेजों के कई बैग देखे गए थे। माना जा रहा है कि आयकर विभाग को इन दस्तावेजों में जैन के कुछ संदिग्ध लेन देन मिले हैं और टीम फिलहाल इसी की तफ्तीश से जांच में जुटी है। कन्नौज के इत्र कारोबारी और सपा नेता पुष्पराज जैन के खिलाफ आयकर विभाग का शिकंजा कसता दिख रहा है, क्योंकि अब पुष्पराज जैन के 150 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की बात सामने आ रही है, जिसकी जांच के लिए हिरासत में लिए गए जैन को लेकर आयकर की टीम कानपुर में उनके भाई के घर पहुंची। यहां दस्तावेजों की छानबीन की गई और दोनों भाइयों को आमने सामने बैठा कर पूछताछ की गई, जिसमें कहा जा रहा है कि दोनों ने अपना सारा काला चिट्ठा खोल दिया और अब इस केस की जाँच की आँच दूर दूर तक जाने वाली है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद। We'll be right back.